नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है अमीन्स। आपने पहले भी मेरे लेक्चर्स देखे हैं, तब हमने किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। आज हम करने जा रहे हैं अमीन्स, जो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और टॉपिक कर रहे हैं अमीन्स, अमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट्स। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे अमीन्स से। अब जानते हैं पहले, सबसे पहले ये अमीन्स क्या चीज है। अमीन्स वो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आर दोज कंपाउंड्स जिनके पास नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हैविंग नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है ये हमने देखना है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो दुनिया भर के हो सकते हैं, अमाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। ये अमीन क्या चीज है? नाइट्रोजन तो होना बहुत आवश्यक है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या चीज है? हम इनका दूसरा नाम देते हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब आप जानते हो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसका डेरिवेटिव मतलब इसके एच को हम किसी भी ऑर्गेनिक रेडिकल से रिप्लेस करते हैं। अब जैसे कि मैं इसका एक एच हटाऊं और लिख दूं NH2 और एक एच की जगह लिख दूं R, तो क्या हो गया? प्राइमरी अमीन। इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी अमीन। ये R क्या चीज है? R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल क्या होता है ये आप पहले से जानते हो। कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो, जो बार निकल के आएगा दैट इज एल्काइल। जैसे कि मिथाइल, मीथेन में से एक एच को मूव कर दिया, बाहर आ गया CH3, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा अमीन। मतलब हमने क्या करना है, अमोनिया के तीन हाइड्रोजन है उसमें से एक को हमने रिप्लेस किया, किससे? हमने बदल दिया एच की जगह, एक एच हटा दिया, उसकी जगह हमने आर डाल दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आया, बाहर जो निकला कंपाउंड, उसका नाम हो गया अमीन। और ये है अमीन, प्राइमरी अमीन। इसको बोलते हैं, जनरल नाम है इसका प्राइमरी अमीन। अब अगर हमने दो हाइड्रोजन बदल दिए तो ये बन गया R2NH, और इसका हमने नाम दे दिया सेकेंडरी अमीन। ठीक हो गया। और अगर हमने तीनों एच अमोनिया के बदल दिए, तीन से रिप्लेस कर दिया, तो R3N हो गया और इसका नाम हो गया टर्शरी अमीन। तो क्या होंगे वो कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अमीन्स? अमीन्स वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मगर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? या तो NH2 या NH या N, है ना। तो तीनों कंपाउंड्स में आपको क्या चीज मिल रही है जो कि विशेष है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के साथ रिप्लेसेबल दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक, इसके पास कोई भी नहीं। अगर दो हाइड्रोजन है मिनिमम, हम उसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अगर उसमें एक है तो बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, और अगर उसमें कोई भी नहीं है तो बोलेंगे टर्शियरी अमीन। हम फर्दर भी इसको एक और चीज कर सकते हैं, हम इसको बोल देते हैं चार से रिप्लेस करके और एन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये एन के ऊपर लोन पेयर होता है, तीनों एच भी गए और ये लोन पेयर भी चला गया, और ये जो बना इसका नाम होता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम। अब ये क्योंकि सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव रेडिकल साथ रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक हो गया। तो क्या जाना हमने कि अमीन्स क्या कंपाउंड्स है? अमीन्स वो कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और किसके डेरिवेटिव है? अमोनिया के डेरिवेटिव।
चलिए अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में, क्या ये खाली एलिफैटिक ही होते हैं? नहीं, ये एलिफैटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। इनका नाम हमने लिख दिया एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। अभी जो मैंने आपको बताया RNH2, R2NH, R3N, ये तो एलिफैटिक है, R को हम एलिफैटिक कहते हैं, मगर हमारे पास RNH2, R2NH, R3N, क्योंकि हम एल्काइल से बात कर रहे हैं हम इसको एलिफैटिक का नाम दे देंगे। और अगर इसमें हमारे पास बेंजीन मॉइटी जुड़ गई तो हम इसका नाम एरोमेटिक अमीन्स कर देंगे। अब इसमें भी वही चीज है, ये प्राइमरी अमीन होगा, एक एरोमेटिक रिंग है आपका, तो प्राइमरी अमीन होने के लिए कंडीशन क्या है? नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन, तो वन एरोमेटिक रिंग है तो प्राइमरी अमीन हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अगर हमको सेकेंडरी लिखना है तो हम लिखेंगे ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन हो गया। और अगर हमें टर्शरी बनाना है तो हम तीन रिंग्स कर देंगे, ये जो साइन होता है ये फिनाइल का साइन है, इसको हम बोल देंगे टर्शरी एरोमेटिक अमीन। मतलब सारे के सारे जो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, किससे रिप्लेस किए हमने? एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन 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 बेंजीन, तो ये तीनों ऐसे ही डेजिग्नेट होंगे, इनको हम ऐसे ही बोलेंगे। एलिफैटिक का मतलब है अगर हमारे पास मिथाइल लिथाइल प्रोपाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और एरोमेटिक का मतलब है अगर उसके साथ बेंजीन न्यूक्लियस जुड़ेगा। ये तो हो गई अच्छी बात इसकी, लेकिन इनको बुलाना कैसे, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे, कैसे बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, क्या हम इसको बोलेंगे मिथाइल अमीन इथाइल अमीन, कैसे बात करेंगे इसके बारे में? जैसे नाम होता है आप पहले भी जाने हो, जब मैंने आपको एसिड्स करवाए, एसिड के डेरिवेटिव कराए, हर बार एक नॉमेनक्लेचर है। एक होता है कॉमन नेम, मैंने बताया एक नाम है कॉमन, क्या बच्चों? तुम्हारा घर का नाम। एक दूसरा नाम है जो ऑफिशियल नाम, तो दो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, एक हो जाएगा कॉमन नेम और दूसरा हो जाएगा आयुपैक नेम, जो कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो इसका नाम होगा उसका नाम होगा आयुपैक नेम, और ये तो कॉमन नेम। तो एक है जैसे CH3NH2, इसका कॉमन नेम तो हम बोलेंगे मिथाइल अमीन, और आयुपैक नाम होगा अमीनो मिथाइल मीथेन। किसका डेरिवेटिव है ये? मीथेन का। मीथेन क्या होता है? CH4, उसमें क्या हो गया? एच की जगह हमने लगा दिया NH2, तो क्या बोलेंगे? अमाइनो मीथेन। जो इसका केमिस्ट्रिकल नाम होगा वो होगा अमाइनो मीथेन। ठीक है, ऐसे ही ये तो प्राइमरी अमीन्स की श्रृंखला आ गई, ये तो प्राइमरी अमीन का नाम है क्योंकि NH2 है। अब अगर सेकेंडरी अमीन हो तब कैसे नाम देना है? CH3N CH3H, तो कॉमन नेम है इसका डाइमिथाइल अमीन, और अगर हमने इसको आयुपैक का नाम देना है तो इसका होगा N-methyl-amino-methane। कोई दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसकी, CH3NH CH2 CH3, कॉमन नेम तो इसका होगा मिथाइल इथाइल अमीन, लेकिन आयुपैक में नाम हो जाएगा N-methyl-amino-ethane। जो भी कार्बन ज्यादा होगा उसको आपने अमाइनो ग्रुप जोड़ना, जिसका ये अगर मीथेन की जगह प्रोपेन होगा तो हम अमाइनो इथेन करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमेशा नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा पेरेंट। सो जितनी लंबी चेन उतने ही नाम से उसको हम आयुपैक में डेजिग्नेट करेंगे। ये तो हो गया सेकेंडरी, दीज आर सेकेंडरी अमीन्स, और टर्शरी में क्या होता है? तीन। तो सपोज ये है एन मिथाइल मिथाइल, चलिए यही नाम लिख लेते हैं, CH2 CH3, कितने R ग्रुप है? R1 2 and 3, है ना, थ्री ग्रुप है, तो इट्स टर्शरी अमीन, तो नाम होगा इसका N N डाइमिथाइल इथाइल अमीन, है ना। N पे क्या है? मिथाइल मिथाइल और इथाइल, तो नाम हमने कर दिया N N डाइमिथाइल और इथाइल अमीन, तो यहां जो आयुपैक नेम हो जाएगा विल बी N N डाइमिथाइल अमाइनो इथेन, है ना।
क्यों है अमाइनो इथेन? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारे पास? CH2CH3, इसको तो पेरेंट बना दिया, इसको हमने इसका सब्स्टिट्यूशन बना दिया। नाइट्रोजन पे दो मिथाइल तो नाम दे दिया NN डाइमिथाइल और इसका नाम हो गया अमाइनो इथेन, राइट। ये है तरीका इसको हमें डेजिग्नेट करने का, इसको नोमेनक्लेचर देने का, कैसे अमीन्स को बुलाना है, प्राइमरी को कैसे बुलाना है, सेकेंडरी को कैसे बुलाना है और टर्शियरी को कैसे बुलाना है, ठीक है। ये तो है एलिफेटिक। इसी में अगर हमने एरोमेटिक करना है तो हम कैसे करेंगे? एरोमेटिक का नाम कैसे देंगे? एरोमेटिक को भी नाम से बुलाना है, उसके लिए हम लिखते हैं अभी स्ट्रक्चर और जानते हैं कि क्या है इसका तरीका उसको डेजिग्नेट करने का। चलिए मैं लिखती हूँ एक एग्जांपल। ये एग्जांपल है हमारी, ये देखिए, इसका कॉमन नेम तो है एनिलीन। अब इसका नाम इसमें क्या है, हम इसके आयुपेक नेम से हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको बोल सकते हैं अमाइनो बेंजीन या अमाइनो फिनाइल। फिनाइल, अमाइनो फिनाइल मीन्स अमाइनो ग्रुप में क्या जुड़ा है? बेंजीन मॉइटी जुड़ी है, तो हम इसको ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। ये तो सिंपलेस्ट चीज है। अब इसी पे कोई और ग्रुप जुड़ा होगा तब हम उसको क्या नाम देंगे? जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया क्लोरो, यहाँ पे लिख दिया ब्रोमो, यहाँ पे लिख दिया आइडो, कोई भी तीन हमने ग्रुप जोड़ दिए। इसको डेजिग्नेट करने का तरीका क्या है? ये NH2, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो या वन मेटा पैरा। हम इसको बेटर होता है हम ऑर्थो मेटा और पैरा के तरीके से इसको डेजिग्नेट करें। सो सपोज खाली मैंने क्लोरो लिखा यहां पर फर्स्ट पोजिशन पे, तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो अमाइनो बेंजीन, है ना। और अगर हमने इस पोजीशन पे लिखा, इसी चीज को हटा के मैं यहां कर देती हूं, यहां डाल देते हैं क्लोरो, तब हो जाएगा मेटा क्लोरो अमाइनो बेंजीन। ऐसे ही अगर हम यहां पोजीशन में लिखते हैं तब हो जाएगा पैरा क्लोरो अमाइनो बेंजीन। और अगर हमने इसको कॉमन नेम से बुलाना है तो कहेंगे ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, मेटा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन। इस तरीके से हम एरोमेटिक्स, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, जो भी उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा उसका नाम देके हम उसको आगे चेन को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक और एलिफेटिक का नाम देते हैं, क्या कहेंगे? नामनक्लेचर करते हैं, हम इसको नाम से बुला सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है केमिस्ट्री की, जिसको हम आयुपेक बोलते हैं, उस आयुपेक के नाम से इसका नाम ऐसे हम। अब बच्चों हमने क्या करना है इसके आगे? ये तो हो गया कि अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स वो कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन है या वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, उनका नाम कैसे है। लेकिन अभी हमने क्या करना है? उसको बनाने के तरीके, जिनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अब ये हम जनरल अमीन्स कर रहे हैं, चाहे ये प्राइमरी है, चाहे ये सेकेंडरी है, चाहे ये टर्शियरी है, चाहे ये एलिफेटिक है, चाहे ये एरोमेटिक है। अब तो अच्छे से आप जानकारी जान चुके हो, प्राइमरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन क्या है, टर्शियरी अमीन क्या है, ऐसे ही एरोमेटिक अमीन क्या है और एलिफेटिक अमीन क्या है। तो हमने ये मेथड देने हैं इसको प्रिपरेशन के लिए, हम इसका जनरल मेथड देंगे, चाहे वो प्राइमरी बनाने के लिए होगा, सेकेंडरी बनाने के लिए होगा, टर्शियरी बनाने के लिए, एलिफेटिक बनाने के लिए होगा या एरोमेटिक बनाने। जो आपका सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है उसमें उन्होंने कुछ मेथड्स लिख के दिए हैं आपको बाय नेम, वही वाले मेथडों से, इन्हीं उन्हीं विधियों से आपको अमीन्स को बनाना है। जैसे कि पहला मेथड है, मैं पहले मेथड्स बता देती हूँ, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फिर समझाते हैं ये क्या चीज है, कौन कौन से मेथड हैं। एक है हमारा एल्काइल हैलाइड, दूसरा मेथड है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और तीसरा मेथड है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस।
ये तीन आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं कि इन तीनों मेथडों से हमने ये चीज बनानी है. क्या बनानी है? अमीन्स बनानी है. ये मेथड कॉमन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए. आपको अपने आप जैसे हम मेथड को पढ़ेंगे आप अपने आप डाइवर्सिफाई आप पता कर पाओगे कि प्राइमरी बनाना होगा तो कैसे. आपको जो अभी हम विधियां बताएंगे वो जनरल है, लेकिन हो सकता है इम्तिहान में आपको ऐसे पूछा जाए आप अमाइनो इथाइल अमीन कैसे बनाओगे, तो आप सोचोगे हमने किया नहीं है. वो जनरल है क्योंकि हमने क्या करना है, आर को चेंज करना है. अगर हमने मिथाइल अमीन बोला हम बोलेंगे CH3NH2, हम उसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, RNH2. मेथड हम कैसे करेंगे, किस तरीके की विधि से करेंगे, RNH2. RNH2 को रिप्लेस करना है किससे, आर को रिप्लेस करना है मिथाइल से, तो बन गया मिथाइल अमीन. और हमें जनरल हमने पढ़ लिया, आर जनरल नाम है और एम मिथाइल नाम कॉमन नेम है, जो दिया गया नाम है, कॉमन नेम नहीं, जो बोला गया नाम है. मिथाइल अमीन कैसे बनाएंगे, मिथाइल अमीन ये मेथड से. कैसे बनाएंगे इथाइल अमीन, ये मेथड से. और जनरल नाम हमने क्या देना है, जनरल नाम हमने क्या देना है, RNH2, R2NH, R3NH एंड सो ऑन. तो सबसे पहले जो विधि हमें देनी है वो है एल्काइल हैलाइड्स से. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स हम कैसे अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. चलिए हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्काइल. अच्छा, सबसे पहले तो ये जानिए ये एल्काइल हैलाइड क्या है, किसको बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड हम किसको बोलते हैं, आर हो गया, अभी मैंने आपको समझाया आर इज एल्काइल. अब हैलाइड का क्या मीनिंग है, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन. हैलोजन में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हैलोजन बोलते हैं. तो एल्काइल हैलाइड क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड हुआ आर के साथ एक्स, एंड एक्स कैन बी, एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ये जो विधि है ये क्या बता रही है कि हम एल्काइल हैलाइड से अमीन कैसे बना सकते हैं. तो एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाने का जो तरीका है वो है हमने एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन करनी है. हम अमोनिया लेंगे, अभी आपको जो मैंने शुरू में मैंने इसका संक्षिप्त विवरण दिया अमीन्स क्या, तो मैंने क्या बताया अमोनिया का डेरिवेटिव मीन्स अमोनिया से निकला हुआ कंपाउंड. क्या कैसे किया, हमने H को हटाया. तो सोचिए अब अगर हमने H हटाना है तो उसका कोई तरीका होना चाहिए, और वो तरीका क्या है, हम एल्काइल हैलाइड से करते हैं. सो पहला तरीका मैं कर रही हूँ एल्काइल हैलाइड से. तो क्या करना है, किसके किसके बीच में हमने रिएक्शन कराना है, हमने रिएक्शन करानी है एल्काइल हैलाइड और अमोनिया, एंड अमोनिया, अमोनिया और एल्काइल हैलाइड से अगर हमने दोनों को टकराया तो क्या करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अमीन्स निकल के आएगा. प्राइमरी भी बनाएंगे, सेकेंडरी भी बनाएंगे, टर्शरी भी बनाएंगे और क्वार्टरनरी भी बनाएंगे. अब हम जानते हैं कैसे, ये है हमारे पास अमोनिया और ये है हमारे पास आर एक्स. एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आर सी एल भी ले सकते हो, आर ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कुछ भी ले सकते हैं. हमारे पास एक्स का भी सब्स्टिट्यूशन है, हमारे पास आर का भी सब्स्टिट्यूशन है. जो बनाना है हम उसका, मैं एक पहले ये दूंगी फिर एक एग्जांपल से करेंगे. तो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. अब हमने क्या निकाल दिया इसमें से, माइनस एच एक्स, और हमारे पास बन गया आर एन एच टू. तो क्या था ये, प्राइमरी अमीन. अब अगर मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ जी आप बताइए, मिथाइल अमीन हम मिथाइल क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं, मिथाइल अमीन हम मिथाइल क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं. तो हमने कैसे बनाना है, अमोनिया में हमने मिथाइल क्लोराइड डाला और इसमें से HCl निकला और हमारे पास क्या बन गया, CH3NH2. तो क्या बना, अमाइनो मिथाइल या मिथाइल अमीन. तो क्या किया हमने, R को किससे रिप्लेस किया, CH3 से. तो आप तो बोलोगे हमने तो जनरल मेथड किया है, हमें तो पता ही नहीं है, करवाया ही नहीं मिथाइल अमीन बनाने का. लेकिन मिथाइल अमीन बनाने के लिए मेथड क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इस R को बदल देना है. किससे बदलना है, मिथाइल से. अब अगर पूछे इथाइल अमीन तो क्या करोगे, मिथाइल की जगह हम C2H5Cl ले लेंगे, प्रोपाइल एंड सो ऑन. कोई भी चीज अगर आपको ऐसे बनानी है हम ऐसे बना सकते हैं. अब अगर पूछ लिया हमने जी एरोमेटिक बनाना है, एनिलीन कैसे बनाना है, तो एनिलीन के लिए R की जगह क्या यूज करोगे, क्या इस्तेमाल किया जाए. अगर हमने एनिलीन बनाना है तो हमारे पास क्या है, NH3+ मैंने क्लोरोबेंजीन यूज कर लिया, इसमें से भी HCl निकला, इसमें से भी NH2. तो क्या बना गया, बना दिया हमने एनिलीन. तो मतलब एलिफेटिक बनाना है या एरोमेटिक बनाना है, हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं.
ये तो हो गया प्राइमरी अमीन। अब इसी प्राइमरी अमीन से हम आगे भी जा सकते हैं और हम इससे सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, अब अमोनिया नहीं लेना है, अब हमने प्राइमरी अमीन लेनी है और उसमें डालना है फिर से एल्काइल हैलाइड और निकालना है HX और बन जाएगा ये R2NH। अब ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन। अब सपोज आपको बोला गया आप बनाइए द NN डाइमिथाइल अमीन, आपको क्या बनानी है NN डाइमिथाइल अमीन, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका? ये मिथाइल और H, आपको इसी विधि से NN डाइमिथाइल अमीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो बहुत समस्या हो गई, अब समस्या तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे मिथाइल अमीन और हमने किसके साथ बदलना है इसको, मिथाइल क्लोराइड के साथ। हम बस R को किससे बदल रहे हैं, जो यहाँ मांगा है, यहाँ क्या मांगा, डाइमिथाइल, तो यहाँ भी एक मिथाइल यहाँ पर भी एक मिथाइल और हमारा कंपाउंड HX निकल के बना दिया जी डाइमिथाइल अमीन। ऐसे करके हमारा सेकेंडरी अमीन, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, इथाइल मिथाइल बनाना है, फिनाइल इथाइल बनाना है, सिर्फ आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है ये क्या मांग रहे हैं हमसे, प्रोडक्ट में क्या मांग रहे हैं, इथाइल मांग रहे हैं, मिथाइल मांग रहे हैं, प्रोपाइल मांग रहे हैं, जो भी चीज मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने इसको जनरल नाम दे दिया आर, जैसे कि जनरल नाम है लड़की और अर्चना मीना, तो ये अलग अलग नाम हो गए, लेकिन है तो किसको बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी को, तो बोलेंगे जनरल तो लड़की, कोई भी लड़की इधर आओ कोई भी लड़की आ सकती है, लेकिन अर्चना इधर आओ है तो लड़की मगर नाम से, ऐसे ही बोला बनाओ जी डाइमिथाइल अमीन बनाओ, और यहां मैंने क्या जो मेथड दिया है, कोई भी सेकेंडरी अमीन बनाओ, ये भी सेकेंडरी अमीन है लेकिन ये नाम से है क्या, डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। ऐसे करके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब समस्या और विजिट कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज को, वो ये है कि टर्शरी कैसे बनाएंगे। अब टर्शरी बनाना है, हमने क्या बनाया था अभी सेकेंडरी, अब हमें टर्शरी बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया नहीं ले रहे, अब हम सेकेंडरी अमीन को ही ले रहे हैं और उसमें फिर से एक RX डाल देंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है जो ये रिप्लेस करता जा सकता है, तो इसमें से एक HX निकल गया तो बन गया R3N। अब ये क्या बन गया, टर्शरी अमीन। अब वही कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको बनाना है ट्राइमिथाइल अमीन, कैसे बनाएंगे, हाँ जी हम ट्राइमिथाइल अमीन, हमने यहां ले लिया CH3 twice NH प्लस हमने डाल दिया CH3X फिर HX निकल गया और हमारे पास बन गया ट्राइमिथाइल अमीन। तो क्या नाम होगा इसका, ट्राइमिथाइल अमीन, है ना। तो क्या बनाया हमने, सेकेंडरी अमीन से टर्शरी अमीन। इसी टर्शरी अमीन से हम क्वॉटरनरी सॉल्ट भी बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, R3N हमारे पास बना हुआ है, फिर से हमने RX डाला और HX निकल गया, जो मैंने आपको पहले बोला, पहले क्या कर रहे थे, H को रिप्लेस कर रहे, अब हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसमें से, हमने लोन पेयर को भी निकाल दिया और बन गया R4N प्लस, इसको बोलते हैं क्वॉटरनरी, है तो ये भी अमीन ही मगर क्वॉटरनरी है ना। अब जब हम डिफरेंट अमीन्स, अलग अलग तरह के अमीन्स इस मेथड से बनाते हैं, तो होता क्या है, हम खाली प्राइमरी अमीन पे नहीं रुक पाते, हमारा रिएक्शन इतना तेज होता है, जो आपस में कोलिजन होते हैं वो इतनी तेज होती है कि प्राइमरी अमीन पे स्टॉप नहीं होती, सेकेंडरी भी बन जाती है, टर्शरी भी बन जाती है, क्वॉटरनरी पर हमने बोला जी हमें तो मिथाइल अमीन चाहिए और हम कहाँ पहुंच गए, टेट्रा मिथाइल अमीन पे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो प्राइमरी अमीन चाहिए थी, वो भी मिथाइल अमीन। तो उस केस में, ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें रिएक्शन को पहले ही स्टेप पे खत्म करना है, तो हमें एक्सेस अमोनिया को लेना पड़ेगा, मींस अमोनिया इतना ज्यादा डाला कि बस वो बार बार आरएक्स को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो दूसरे सेकेंड जो प्राइमरी अमीन बना है उसके साथ रिएक्ट करे, वो किसके साथ बार बार कर रहा है, वो वापस जा रहा है अमोनिया के पास, उसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर से मिथाइल अमीन, फिर जा रहा है फिर से मिथाइल अमीन, फिर से मिथाइल अमीन, क्योंकि उसको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है जिससे उसको रिएक्ट करना है। तो पहले स्टेप पे अगर रिएक्शन को रोकना है तो कैसे रोकना है, हमने एक्सेस अमोनिया डालनी है, पहले अमोनिया डाली एक्सेस तो बन गया हमारे पास प्राइमरी अमीन। अब अगर हमें सेकेंडरी बनाना है तो थोड़ा सा अमाउंट कम कर देंगे, टर्शरी बनाना है तो और कम कर देंगे, और क्वॉटरनरी बनाना है तो और कम कर देंगे, और किसका मोल बढ़ाते जाना है, एल्काइल हैलाइड का, जितने ज्यादा एल्काइल हैलाइड उतना क्वॉटरनरी साल्ट, जितना एल्काइल हैलाइड कम उतना प्राइमरी, 2 मोल चाहिए तो सेकेंडरी, 3 मोल चाहिए तो टर्शरी, 4 मोल चाहिए तो
क्वार्टनरी, एक मोल चाहिए तो प्राइमरी, ऐसे करते करते हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एलिफेटिक भी ऐसे ही बनेगा और एरोमेटिक भी ऐसे ही बनेगा। चलिए, ये तो एक मेथड हो गया, अब हम करते हैं इसका दूसरा मेथड, वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये भी अमीन्स को ही बनाएगा, मगर बनाएगा किससे? थैलामाइड से। पहले तो हम जानते हैं थैलामाइड है क्या, इसको बोलते हैं हम थैलामाइड, थैलामाइड। इससे हमने बनाना है कोई भी प्राइमरी अमीन, इससे हमने बनानी। अब बनाने का तरीका क्या है, पहले तो जानिए थैलामाइड क्या है। आप जानते हैं थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड होता है COOH, COOH इसका नाम है थैलिक, P इसमें साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में अगर हमने अमोनिया डाला तो ये दोनों तरफ से रिएक्ट करता है और बना देता है थैलामाइड। तो क्या है ये? एमाइड। रिएक्शन बिटवीन किस किस के किसके बीच में, मध्य में हुई थैलिक एसिड और अमोनिया से। ये आपको जान देने की जरूरत नहीं है, मगर आपको जानना तो है ये थैलामाइड है क्या चीज है। तो थैलामाइड क्या चीज है? थैलामाइड है जो थैलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से बनता है। अब इस थैलामाइड से हमने क्या बनाना है, हमने अमीन्स बनानी है। तो हम क्या करते हैं उसको थैलामाइड को, हम उसको KOH के साथ पहले ट्रीट करते हैं। और पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के देती हूँ, फिर हम समझेंगे इसको हुआ क्या। ठीक है, ये हो गया NK+, फिर इसको हमने इससे एल्काइल हैलाइड डाला। मैं अभी समझाती हूँ आपको, पहले मैं रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि आप नोट कर ले इन चीजों को। NR, अब हमने इसमें वाटर डाला और ये बन गया RNH2+ थैलिक एसिड। चलिए अब हम पहले इसको समझते हैं हुआ क्या। ये है थैलामाइड, थैलामाइड में हमने KOH डाला। अब ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, बड़ी आसानी से ये सॉल्ट बना लेता है। तो क्या करता है, इसमें से H चला जाता है। H कौन ले गया? ये OH, OH तो बेस है, बेस को क्या चाहिए? OH। क्या करेगा ये? वाटर की फॉर्म में निकाल देगा। अब हमारे पास क्या बचा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और एक H प्लस उसमें चला गया तो नेगेटिव, तो मतलब है H निकल गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। माइनस H था और OH दोनों ने मिलकर पानी बना दिया। अब N नेगेटिव है, उसको बगल में क्या मिल गया? K+। हमेशा क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या बना दिया इसने? सॉल्ट बना दिया। तो ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, दोनों आपस में मिल गए तो बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक हो गया, समझ गए यहां तक? नोट कर लो इसको। अब हमने इसको फिर वही विधि करनी है, हमने एल्काइल हैलाइड क्या है? RX। अब R है इसमें प्लस और X है इसमें माइनस। अब क्या हुआ, ये क्यों हमें करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एक्स बड़े आसानी से इस के के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्या निकाल सकता है? KX मतलब KCl, KI, KBr है ना, ये करके बाहर निकल सकता है। तो K तो प्लस था, उसने इसके X को ले लिया और अब क्या हो गया? R तो प्लस हो गया, प्लस है यहाँ पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना दिया। और हमारा मकसद क्या है, हमें चाहिए RNH2। तो हमें RN तो यहां से मिल गया, अब हमें दो H चाहिए। वो H हमें कहां से मिलते हैं? हम इसमें अवघटन करते हैं, किसका? पानी का। हम इसका पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, पानी डाल देते हैं। अब पानी का क्या काम है, वो इसको पहले आया दो हिस्सों में बांट दिया, पहले ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए ये OH ने इसके दो हिस्से कर दिए, बोला भाई मैं यहां जुड़ जाता हूं और ये नेगेटिव हो गया। हमारे पास क्या था? H प्लस, OH नेगेटिव, यहां तो OH आ गया, N तो नेगेटिव था, अब इसको क्या मिल गया? एक H मिल गया। ठीक है, अब आया दूसरा OH, उसने यहां अटैक किया ताकि ये बाहर निकल आए। अब देखो OH नेगेटिव यहां चला गया, ये N फिर नेगेटिव हो गया, पहले तो H ले लिया था तो ठीक हो गया था, लेकिन अब ये फिर नेगेटिव हो गया, इसने फिर से एक H को ले लिया तो क्या बना दिया? RNH2+ थैलिक एसिड। तो हमारे पास जो हमें क्या चाहिए था, हमें अमीन चाहिए थी, प्राइमरी अमीन हमने यहां से बना ली। दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तीन मॉलिक्यूल से करेगा, चार से करेगा, तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बनेगा। ध्यान से सुनो इसको फिर से, ये है थैलामाइड,
किसके साथ रिएक्ट किया हमने इसको? KOH के साथ। क्या काम है KOH का? क्योंकि इसमें से OH जो है वो बेस होती है। बेस आप जानते क्या होती है? बेस का मतलब होता है वो प्रोटॉन को ले सकती है। इसके पास प्रोटॉन देने की कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखूं। उसने अभी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, लेकिन हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है। उसकी नेचर क्या है? मैं अपने पास इलेक्ट्रॉन रखूं। उसने अपने पास रखा, जिसका मतलब है ये H प्लस बाहर आ गया। अब H प्लस और OH नेगेटिव दोनों ने मिलके वाटर बना दिया, और वाटर ऐसा कंपाउंड है जो थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल, हमें चाहिए ही चाहिए। तो वाटर का लॉस हो गया, तो हमारे पास बन गया यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट। किसका बना पोटेशियम सॉल्ट? थैलामाइड का। अब हमने डाल दिया इसमें RX, और RX क्या है? फिर से अल्काइल हैलाइड है। अब इसका क्या काम हो गया? अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि X की क्या टेंडेंसी है, जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसे ही X भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसने भी बोला भाई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ये वापस चला गया इलेक्ट्रॉन लेके R के पास प्लस। अब ये X नेगेटिव है, यहाँ पर K पॉजिटिव है, दोनों ने मिलके KX बन के बाहर आ गए, और R प्लस घूम रहा है, उसको नाइट्रोजन का साथ मिल गया, और ये बना दिया इसने जो मैंने पहले लिखा था NR, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा, अब ये पोटेशियम सॉल्ट नहीं रहा, ये अल्काइल बन गया, एन अल्काइल थैलामाइड बन गया, है ना। अब हमें इसमें से वापस निकालना है, तो हम क्या डाल रहे हैं? फिर से पानी। और पानी का क्या काम है? ये देखो, पहले एक बार आया तोड़ दिया, फिर दूसरी बार फिर आया फिर तोड़ दिया, और हमारे पास बाहर क्या आ गया? अमीन, प्राइमरी अमीन और थैलिक एसिड। अब अगर तुम चाहते हो हमारे पास दो हो, तो हम नहीं कर सके, हमने पहले RX से किया, हमारे पास RNH2 करके बन गया। अब RNH2 को फिर से RX डालो, R2NH बन जाएगा, फिर से RX डालो, ट्राई बन जाएगा। लेकिन पहला जो स्टेप बनाना है वो बनेगा थैलामाइड सिंथेसिस से ही प्राइमरी अमीन बन सकता है। ठीक हो गई बात? साफ हो गया? समझ गए? क्लियर हो गया? नोट करो इसको। अब हम चलेंगे तीसरे में। जो हमारा तीसरा मेथड है वो क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें इस्तेमाल करना है हमने एमाइड प्लस बेस। कभी कभी NaOH यूज करते हैं, कभी कभी KOH भी यूज करते हैं, और ब्रोमीन। और कन्वर्ट क्या करना है, बनाना क्या है हमने? अमीन। हम किसके किसके बीच में ये रिएक्शन होती है? हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है एमाइड ब्रोमीन और बेस में। बेस हम कभी कभी NaOH भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी KOH भी। इसका नाम ही होता है कई बार हाइपो ब्रोमाइड। अभी हम जानेंगे ये है क्या चीज है। सबसे पहले तो क्या होगा, पहले हम सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, वो क्या है? एमाइड। अब आप जानोगे ये एमाइड क्या है। मैडम ने एमाइड लिख दिया, वही एमाइड किस बला का नाम है? KOH और NaOH, दिस विल गिव अस RNH2 प्लस K2CO3 प्लस NaBr। अब तो पहले हम जानते हैं ये है क्या चीज है। NaBr एक Abr जो भी होगा प्लस वाटर, ये एमाइड। अभी मैंने आपको थैलामाइड बताया, ऐसे ही ये सिंपल एमाइड है, वो थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ है, ये एसिड को करो। तो इस ग्रुप को, ये जो CONH2, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? एमाइड। इस ग्रुप को एमाइड बोलते हैं। तो क्या है ये? एमाइड है, ये ब्रोमीन है, ये KOH है या NaOH है। ये रिएक्ट करके देखिए क्या बना रहा है। जो भी R हम यहाँ लेंगे वही इस NH2 के साथ कंबाइन करेगा। जो भी R, अगर मिथाइल लिया तो मिथाइल, प्रोपाइल लिया तो प्रोपाइल, जो भी आप R लोगे, अल्काइल लो, कोई भी अल्काइल मॉइटी ले सकते हो, प्रोपाइल ब्रोमाइड कोई भी, तो हमारे पास वही अमीन यहाँ बनेगा प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, NaBr और वाटर। अब इसको बनाने की जो विधि है, क्या होता है इसमें, सबसे पहले जो चीज है वो है जो बेस है,
चाहे KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, ये क्या करते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके NaOBr जिसको हम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं। तो पहला जो इनिशियल स्टेप होता है वो ये नहीं है, पहला इनिशियल स्टेप है इन दोनों का रिएक्शन और वो क्या बनाता है NaOBr और इस OBr को हम ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, है ना। चाहे NaBr बनाएगा और पोटेशियम KOBr। तो पहला इनिशियल स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि ब्रोमीन KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है हाइपोब्रोमाइड, इसी को बोलते हैं ब्रोमाइड। OBr होता है ब्रोमाइड और इसको अगर हम पूरा नाम देना चाहे तो बोलेंगे हाइपोब्रोमाइड, तभी इसका नाम भी होता है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्योंकि ये ब्रोमाइड आयन जो इसमें से निकलेगी वही आगे अमाइड के साथ काम करेगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है लेकिन पहला स्टेप क्या है हमें यही बनाना है NaOBr। इसका क्या काम है कैसे है वो जान के हमें पता चलेगा अमीन कैसे बनती। तो पहला इनिशियल स्टेप क्या होगा हाफमैन ब्रोमाइड में, हाफमैन ब्रोमाइड में रिएक्शन में होगा कि बेस जो है चाहे NaOH ले लो या KOH ले लो ये किसके साथ रिएक्ट करती है, ये रिएक्ट करती है NaOH और KOH के साथ ब्रोमीन और बना देती है हाइपोब्रोमाइड। अब हम दूसरा स्टेप बनाते हैं वो है, पहले मैं सारे स्टेप लिखती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने इसमें OBr के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो क्या करता है OBr इसमें से H को निकाल के Br यहाँ रिप्लेस हो गया, इसके पास दो H थे एक H Br ने रिप्लेस कर दिया, मींस Br यहाँ घुसा और H को बाहर कर दिया, प्लस क्या निकलेगा OH। अब ये OH नेगेटिव है इसके पास क्या कमी है, इसको H प्लस चाहिए, ये कहता है मैं इस R से ये जो हमारे पास N है इससे मैं ये H ले जाऊं तो क्या बन जाएगा NBr और प्लस वाटर। पहले तो उसने H लिया तो Br आ गया, तो नाइट्रोजन के वजह से H चला गया कोई बात नहीं उसकी जगह Br ने रिप्लेस कर लिया, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ उसने उससे H लिया कोई आया तो है नहीं H को बाहर निकाल दिया, H को बाहर निकाल दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करना चाहेंगे इस नाइट्रोजन में से भी, ये कहता है ब्रोमीन तुम निकलो ताकि नाइट्रोजन अपने आप को बैलेंस कर पाए, तो क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसको कैसे आएगी कि अब उसमें से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा कोई भी चीज अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अब होता क्या है ये हो जाता है RCON, लेकिन जब ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो नाइट्रोजन के पास तो डेफिशिएंसी होगी, इस नाइट्रोजन को बोलते हैं हम नाइट्रीन, ये एक इंटरमीडिएट है, ये नाइट्रोजन को होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आठ, यहाँ कितने हैं दो दो चार और दो छः, तो इसको डिफिशियंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसीलिए ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और क्या इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। अब इसको डिफिशियंसी को कवर अप करना है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट, ये नाइट्रोजन के पास चला जाता है और हमारे पास बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन आर और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट, हो गया बात। तो क्या किया अभी हमने अमाइड को लिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया आइसोसाइनेट में, लेकिन अभी हमें अगला स्टेप बाकी है हमारा, हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिससे हमारा अमीन्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ये अमाइड लिया ब्रोमाइड ने इसमें से H को निकाला Br को ऐड कर दिया, फिर OH ने क्या किया उसमें से दूसरा H ले लिया ताकि वो पानी बन के बाहर हो जाए तो वाटर निकल गया। अब जब इसमें से एच भी निकल गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर Br को धक्का मिल गया तो इसमें नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन में यहाँ पर रीअरेंजमेंट, और मैंने आपको शायद पहले भी बताया है रीअरेंजमेंट का सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट ने क्या किया मींस मेरी जगह तू आ जा तो हम एक थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं कि तेरी डेफिशिएंसी हो रही है मैं आके तुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दूंगा, तो हमने अदला बदली कर ली उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट क्या हुई आर तो अपनी जगह था बट इसको क्या लग रहा है नाइट्रोजन के पास डेफिशिएंसी है तो मैं आ जाके इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दूंगा, जब ये चला जाएगा तो कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो दोनों आपस में एडजस्ट करके एक बॉन्ड बना देते हैं और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो बनता है स्ट्रक्चर CO डबल बॉन्ड NR इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। यहां तक हो गया साफ, अब हम आगे चलते हैं, अभी तक तो हमारा अमीन नहीं बना ना, अमीन बनना बाकी है, अभी तो हमारे पास आइसोसाइनेट ही बना सिर्फ। अब देखिए क्या होता है, ये कभी कभी ये जो मेथड है सिंथेसिस का हाफमैन ब्रोमाइड का नेम रिएक्शन के दौरान भी आता है,
आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिव मैकेनिज्म ऑफ, हमें मैकेनिज्म दो, एक उदाहरण सहित पूरा चित्र एक खींचो कि हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन कैसे होती है, नहीं तो आप ये रिएक्शन लिख दो और खत्म, ऐसा नहीं है, किस तरीके से होती है, किस पाथ से होती है, पहला चीज क्या बना, दूसरा चीज क्या बना, तीसरा चीज क्या बना, उस तरह करके भी इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा एग्जाम में, इम्तिहान में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कैसे, इसके स्टेप बनाओ, अलग हर हर तरीके से बताओ ये कैसे बना, उसके लिए हमें ये डिटेल जानना जरूरी है। अब ये बना हमारे पास आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें हमने डाल दिया एच ओ एच, देखो ए ओ एच क्या हो गया, आर एन नेगेटिव सी ओ ओ एच, वाटर में क्या होता है एच प्लस ओ एच नेगेटिव, तो इसका एच प्लस इस नाइट्रोजन के पास, तो बन गया आर एन एच सी ओ ओ एच। अब हमें फिर से हमें तो ये निकालना है, तो क्या करना है, हमने आर एन एच नेगेटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास के ओ एच होगा या एन ए एच होगा उसके साथ कंबाइन करके के टू सी ओ थ्री बनाएगी, और यहाँ तो ये एन एच ही रह गया, इसने एक और एच ले लिया और बना दिया आर एन एच टू। तो हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था, अमीन बनाने का, ये कौन सी अमीन बन गई, प्राइमरी अमीन, तो हम इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर दिए, किसको, देखो ध्यान दो हमने कहां से शुरू किया, एक एमाइड से, ये हमारे पास एमाइड था, उसमें क्या ग्रुप जुड़ा था CONH2, हमने इस CO को हटा दिया, तरीका क्या किया, हाइपोब्रोमाइड का इस्तेमाल किया और ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अमीन। तो ये है इसके तीन संक्षिप्त उदाहरण तरीके कैसे हम अमीन्स को बना सकते हैं। अब आपको अपने तरीके का अमीन बनाना है, आप इसी मेथड्स में कोई छोटी मोटी चेंज करके मिथाइल अमीन इथाइल अमीन कर करके हम नए नए तरीके के अमीन्स को बना सकते हैं। और तुम्हारे जो सिलेबाई में लिखा है तो इसके मेथड बहुत सारे विधियां हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्यों, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इससे बहुत तरीके के अमीन्स बनते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गई हमारे पास इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम जानेंगे ये है क्या, किस चीज का नाम है ये अमीन्स, कैसे काम करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टियां हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें जो इसको बनाती हैं, रिएक्शंस शो करती हैं, कैसे कैसे हैं, क्यों चाहिए हमें ये चीज, हमें ये जानना है, अगर हमने इससे कुछ बनाना है क्या ये कहीं इस्तेमाल हो सकती है आगे कोई चीज बनाने के लिए, क्या रिएक्शन है इसकी, किसके साथ ये कैसे इसका स्वभाव रहेगा, कैसा ये एक्ट करेगा, पानी के साथ कैसा करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इस तरह की चीजें, नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या कहते हैं इसको, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, अलग अलग तरह की इसकी रिएक्शंस होंगी जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, तो जिनको हम बोलते हैं विशेषता। तो अमीन्स की विशेषताएं क्या है, पहली प्रॉपर्टी यह होती है थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये जो अमीन्स है दे आर से फ्रॉम 1 to 5 जनरली ये लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और उसके आगे दे बिकम नहीं लिक्विड नहीं गैसेस होते हैं, उसके आगे ये लिक्विड्स बन जाती हैं, और इवन हायर मेंबर में चले जाएं तो सॉलिड्स। वैसे जो अमीन्स हैं टिपिकल अमीन्स हैं 1 to 4 तक के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये ज्यादातर क्या हो जाती है, वैसे तो इथाइल अमीन भी लिक्विड है लेकिन स्लोअर मेंबर्स जितने भी होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, उसके आगे जैसे हम मेंबर्स बढ़ाते जाएंगे ये लिक्विड बन जाएंगे, और हायर मेंबर्स में अगर हम चले जाएं तो ये सॉलिड हो जाते हैं। और अमीन ऐसा नहीं है एक ही होगा, मिथाइल अमीन ही होगा, डाइमिथाइल भी है, डाइफिनाइल अमीन, अगर आपको ध्यान हो डाइफिनाइल अमीन कभी आपने अपने लेबोरेटरी में देखा हो प्रयोगशाला में देखा हो वो सॉलिड होता है ना, ऐसे ही डाइफिनाइल अमीन है या सेकेंडरी कोई भी अमीन है, अपने यूरिया भी ले लिया, ये भी क्या है NH2CONH2 है तो अमीन का ही फॉर्म, CONH2 जुड़ गया उसके साथ, तो जितने भी अमीन्स हैं छोटे फॉर्म में अगर होंगे कम कार्बन होंगे तो ये गैसेस होंगे, थोड़ा सा कार्बन बढ़ेगा तो लिक्विड हो जाएंगे, उसके आगे बनेगा तो ये बेस ये सॉलिड हो जाएंगे। और जो इसकी इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इसमें
अमोनिया जैसी स्मेल, अमोनिया स्मेलिंग है ना, और खासकर सेकेंडरी अमीन्स में अमोनिया जैसी खुशबू आती है। अमोनिया की एक बड़ी टिपिकल सी गंध है, वो इनकी स्मेल आती रहती है। और दे इनका जो टेस्ट है बड़ा बिटर टाइप टेस्ट होता है ना, और इसमें से अमोनिया की अलग सी जो महक है अमोनिया की, वो अमोनिकल वाली टेस्ट इसमें आ जाती है। ठीक हो गई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये जानो ये बेसिक इन नेचर का क्या मीनिंग, क्या मतलब होता है बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर का मतलब होता है जो एक बेस के करेक्टरिस्टिक्स है, बेस की प्रॉपर्टियां हैं, बेस की विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं इसमें भी पाई जाती हैं। तो बेस की क्या विशेषता है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, उदाहरण दिए, OH नेगेटिव क्या है, बेस है। तो बेस क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे जरूरी चीज, अहम जो मुद्दा है इसका बेस का, वो क्या है कि ये प्रोटॉन को अपने पास लेता है, इसके पास एक खिंचाव है किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ। तो जितने भी अमीन्स हैं, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इनके पास एक खिंचाव है प्रोटॉन्स के लिए। तो जो भी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, या जिसको बोलते हैं जो प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, अपने साथ घुल मिला लेगा, उसको हम बेसिस बोलते हैं। तो इसीलिए इसका जो नेचर है ये बेसिक है, ये बेसिक इन नेचर है, इसका बेस वाला काम है, जो काम बेस करता है। बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लू लिटमस रेड होता है कि रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को वो ब्लू करता है ना। तो ऐसे ही हम क्या बताएंगे, जो अमीन्स को अगर हमने टेस्ट करना है, अगर आपको जानकारी चाहिए ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम अमीन में एक लिटमस पेपर डाल देंगे, तो हम देखेंगे लिटमस पेपर जो है ब्लू वाला था वो ब्लू ही रह गया, अगर रेड डाला तो वो ब्लू हो गया। या पीएच पेपर आता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, पीएच की रेंज क्या होती है, 1 से 14 तक, 1 से 7, 7 से 14, 1 से 7 तो एसिडिक पीएच माना जाता है, 7 से 14 तक बेसिक पीएच माना जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको डालेंगे, हम इसमें पीएच पेपर को डालेंगे, तो आप देखोगे इसमें 8, 9, 10 ऐसे करके, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना वो बेसिक पीएच शो करता रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग है जैसे OH है, NaOH है, तो एकदम आप देखोगे 8 के ये 10 के करीब उसकी वो चली जाएगी। तो ऐसे ही इसकी भी बेसिसिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस की कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और दूसरा चीज क्या करता है, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, आपको याद होगा NaOH क्या है, बेस है, उसमें हमने HCl डाला तो क्या बना दिया इसने, हाँ जी सॉल्ट बन गया, NaCl प्लस वॉटर। तो जो अमीन्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, क्या है, RNH2 प्लस HCl, तो ये क्या बनाना चाहिए, सॉल्ट। तो कैसे बनाता है, RNH2 HCl, इसमें पूरे का पूरा HCl ऐड हो गया तो इसने सॉल्ट बना दिया, तो NaCl बना, यहाँ HCl ऐड हो गया तो क्या बना दिया, सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो यह कह सकते हैं हम बेस की जो प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमने एसिड के साथ ट्रीट किया तो इसको सॉल्ट बनाना ही बनाना है, और यहाँ जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये भी सॉल्ट बनाता है, और ये सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये विशेषता इसकी है अमीन्स की कि वो बेसिक इन नेचर है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे पर उतना वीक भी बेस नहीं होगा। जैसा अमोनिया है उसी के अकॉर्डिंगली ये भी, अमोनिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बहुत जितना OH है के NaOH है KOH है, लेकिन बेसिक है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, किसको दे सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है, और सॉल्ट बना सकता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी रिएक्शंस देखते हैं, वो जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक है, मैं लिखती हूँ फिर आपको बताते हैं कौन कौन से। पहली प्रॉपर्टी है हॉफमैन, जो बताया गया है आपको जानना जरूरी है, डिग्रेडेशन। सेकंड है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, तीसरी प्रॉपर्टी है हिंसबर्ग रिएक्शन, चौथी प्रॉपर्टी है कार्बाइलामीन, और एक और जो जाननी है वो है हमारी शॉर्टमैन बोमैन।
इसकी विशेषताएं तो बहुत है, बहुत सारी रिएक्शंस करता है, लेकिन ये आपको जाना अहम है। कौन सी? हाफमैन डिग्रेडेशन। दूसरी है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 के साथ रिएक्शन, दैट इज NaNO2 प्लस HCl प्रोड्यूस करता है HNO2। फिर हिंसबर्ग रिएक्शन है जो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ है। फिर कार्बाइलामीन है रिएक्शन है जो क्लोरोफॉर्म के साथ है। और फिर शॉर्टमैन बोमैन रिएक्शन है जो एसिड क्लोराइड्स के साथ है। ये जाननी जरूरी है, ये जो रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ, हिंसबर्ग के साथ, कार्बाइलामीन और शॉर्टमैन बोमैन भी एक फॉर्म में, ये जो तीन तो स्पेशली मेथड्स हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स हम अलग अलग हमने बताना हो, आपको तो पता है नहीं, कंपाउंड दे दिया, बोला बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो उसको अगर हमने अलग अलग करना है तो हम उसको इन तीन रिएक्शन से कर सकते हैं। क्योंकि नाइट्रस एसिड अगर प्राइमरी अमीन के साथ मिक्स होकर रिएक्शन देता है कुछ और प्रोडक्ट देता है, सेकेंडरी के साथ देगा तो कुछ और देगा, टर्शरी के साथ देगा तो कुछ और देगा, ग्रीन कलर आया, व्हाइट कलर आया, येलो कलर आया, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है। ऐसे ही कार्बाइलामीन जो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, एक आइसोसाइनेट की जो खुशबू होती है, पॉइजनस बड़ी स्मेल, बहुत ज्यादा खराब स्मेल जो होती है, खुशबू होती है, खुशबू क्या बोलेंगे, बदबू बोलेंगे उसको, कार्बामाइलामीन रिएक्शन होती है। और आपको याद भी होगा एक डिजास्टर भी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो हुआ था जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई, वो जो है वो वहाँ ये आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था। फिर एक और रिएक्शन है जिसको हम शॉर्टमैन बोमैन कहते हैं, ये रिएक्शन एरोमेटिक अमीन्स की है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की है एसिड क्लोराइड्स के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन से। ये कॉमन रिएक्शन है जो कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन दे सकता है, कैसे दे सकता है उसका समझ देंगे, उसके बाद हम ये रिएक्शन को करेंगे। चलिए अब हम पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे इसी रिएक्शन से, और प्रोडक्ट में भी हम वेरिएशन देखेंगे। ये अभी टाइम है, अभी Hoffman degradation। चलिए पहले मैं ये रिएक्शन लिख लेती हूं, फिर आपको समझाते हैं हमने किया क्या इसमें। देखिए ये साइक्लिक, अगर हमारे पास टर्शरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है उसके उसकी रिएक्शन है जो हमें आइडेंटिफाई कर सकती है क्या विशेषता है। देखो करना क्या है हमने, हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, कंपाउंड्स में जो भी हम जिन भी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं उसमें एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो है ही है, मस्ट ही मस्ट है, जरूरी जो अलिमात है वो ये है उस अमीन में बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। और बीटा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन के बगल में जो कार्बन है उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाला कार्बन है उसको हम बीटा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो लिया, ये क्या है, अमीन है, बताइए कौन सी अमीन है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, देखिए ध्यान से। नाइट्रोजन पे क्या है, एक ये और दो ये बॉन्ड, तो ये टर्शरी अमीन है। हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं, R3N, और इसको तो पहले हमने सेकेंडरी, तो असली रिएक्शन तो ये सेकेंडरी अमीन की है, लेकिन हम टर्शरी और सेकेंडरी साइक्लिक है उसको इससे हम कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो पहले तो हमने HI के साथ इसको ट्रीट किया, रिड्यूस किया, कोई भी हाइड्रोजिनेशन मेथड आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं,
निकिल की प्रेजेंस में कैसे भी करके हमने इसमें से डबल बॉन्ड हटा दिया और हमने टर्शियरी अमीन को सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है आर टू एन एच, ये देखिए ये सोचिए आर है ये आर है ये एन एच है ना। अब जो मैंने क्या कंडीशन बताई हमारे हाफ में डिग्रेडेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे बीटा पोजिशन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए और जब हम इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसकी अवघटन कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक क्वार्टनरी सॉल्ट बनता है। अभी आपको मैंने पहले भी ये रिएक्शन कराई सिंथेसिस के लिए, तो क्या है देखो CH3I कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो, क्योंकि एक पहले H निकल गया तो एक CH3 आया, फिर क्या निकला लोन पेयर भी निकल गया तो दूसरा CH3 आया जो अभी हमने शुरू में रिएक्शन किया था R3N RX R4 N प्लस बनाया, वही चीज यहां हो गई। ये दो R थे, पहले एक और R आ गया, क्या था मिथाइल, फिर एक और R आ गया दूसरा मिथाइल, तो क्या बन गया क्वार्टनरी अमोनियम। चूंकि ये प्लस है आयोडीन उसके बगल में है, ये नेगेटिव के फॉर्म में है तो ये इसके साथ जुड़ी रहती है हमेशा सॉल्ट फॉर्म में, तो हम बोलेंगे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कंडीशन बोली, बीटा हाइड्रोजन यहां है नाइट्रोजन के बगल में अल्फा, ये बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन कंडीशन मस्ट है, ये होनी ही चाहिए, यह होगी तो क्या होगा ये एच किस फॉर्म में निकल गया एच प्लस के फॉर्म में, तो ये मैंने ब्रेक कर दिया तो ये वापस NCH3 हो गया और यहां से चूंकि H निकला था, H निकला तो यहां पर नेगेटिव ये निकल गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो पॉजिटिव और क्या हो गया बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया पहला। आप देखो मैंने बोला था इसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास तो दो है, एक यहां से है एक यहां से, तो फिर से ये CH3I के साथ ट्रीट कर सकते हैं, फिर से इसको एल्काइल हैलाइड के साथ हमने ट्रीट किया। यहां कितने R है, एक R ये हो गया, ये सोचो R है, ये दूसरा R, ये तीसरा R, इसको कितने मॉलिक्यूल चाहिए हम एक, यहाँ कितने चाहिए थे दो, यहाँ एक मॉलिक्यूल आ गया, फिर से इसने क्वार्टनरी सॉल्ट बनाया, फिर से वही तरीका जो वहां किया, तो क्या बना हमारे डाइन। तो कहा जाएगा हाफ में डिग्रेडेशन क्या है, जब अमीन सेकेंडरी अमीन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है ब्यूटाडाइन। डाइन जरूरी नहीं ब्यूटाडाइन, कोई भी डाइन जो भी आपने कंपाउंड लिया है उससे हम ये बना सकते हैं। तो हाफ में डिग्रेडेशन एक विशेषता है अमीन्स की जो हमें बताती है कि हमारी जो साइक्लिक रिंग है वो 5 मेंबर थी 6 मेंबर थी, अगर ये 5 मेंबर 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर ही हो तो यहाँ पर भी ये कार्बन कम हो जाएगा, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हमें पता चल सकती है। और साथ के साथ ये अमीन जो है सेकेंडरी और टर्शरी है, अगर ये प्राइमरी होगी तो प्राइमरी अमीन में नहीं होगा, आपको पहले उसको सेकेंडरी बनाना है, सेकेंडरी बनाने के बाद आप ये वाली रिएक्शन इसकी कर सकते हैं। अब अगर हम ये तो हमने एग्जांपल दे लिया किसी हेट्रोसाइकिल का, हम इसको एलिफैटिक से भी कर सकते हैं, मैं इसको रिमूव रब कर रही हूँ, दोबारा बताती हूँ एलिफैटिक के साथ कैसे हो सकता है। नॉर्मल चलिए हम लिख रहे हैं आर आर नहीं हम लिखते हैं कोई एग्जांपल उदाहरण से ही काम करते हैं CH3CH2NH2 ये कॉमन सा इथाइल अमीन ले लिया हमने, इसको हमने डाल दिया CH3I दो मोल्स के साथ, ये बन गया CH3CH2NH CH3CH3 प्लस और I नेगेटिव, जो मैंने बताया क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्या बताया मैंने नाइट्रोजन के बीटा पोजीशन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये है अल्फा ये है बीटा, ठीक है इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये एच, अब हमारा क्या बन गया देखिए CH2 प्लस NH CH3 CH3, तो क्या एल्कीन, मतलब हाफ में डिग्रेडेशन अगर प्राइमरी अमीन में हो रही है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है एल्कीन, तो ये विशेषता हो गई किसकी प्राइमरी अमीन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने की, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है आपके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं करेगी, ऐसे नहीं चलेगी, आपको बीटा की जरूरत है, ये मिलेगा प्लस ये हमें अमीन मिलेगी। अब अगर हमारे पास ये प्राइमरी है तो हमें दो मोल्स की जरूरत है, अब अगर मैंने इसको सेकेंडरी लिया तो हम कैसे कर सकते हैं प्राइमरी की जगह, देखिए वही चीज अब हमने प्राइमरी की जगह सेकेंडरी में कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखो
यहाँ पर हमने ये प्राइमरी की जगह सेकेंडरी हो गया। अब इसकी रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड के साथ है वो कितने के साथ? एक के साथ, CH3CH2। हमें बनाना तो क्वॉटरनरी सॉल्ट है, ठीक है। एक मोल आया आपने यहाँ ऐड कर दिया, पहले तो एक था ही, 1 2 3 हो गया। हमें चार चाहिए ताकि ये क्वॉटरनरी सॉल्ट बने, हम इसको आई लिखेंगे। अब फिर वही कंडीशन, हमें क्या चाहिए? एच होना चाहिए। जब प्राइमरी के साथ कर रहे थे तब हमें तीन चाहिए, जब हम सेकेंडरी के साथ कर रहे हैं तो हमें दो चाहिए, हम टर्शरी के साथ करेंगे तो एक चाहिए, और हमें क्या बनाना है? क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि इसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, फिर इसने हाइड्रोजन यहां से लूज किया और इसने एन को लूज किया, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, बाकी सब चीज सेम रहेगी, NH CH3 CH3। अब इसी को अगर आपने टर्शरी में ले लिया तो क्या हो गया? CH3 CH2 N CH3 CH3। ये ऑलरेडी तीन है, फिर आपने एक के साथ ट्रीट किया, वो बन गया CH3 CH2 N CH3 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 प्लस। अब देखिए फिर से इसके पास एक हाइड्रोजन है, बना दिया, बाकी रिएक्शन वही रहेगी, लेकिन हम ये प्रोडक्ट हम इसमें से बना सकते हैं, ट्राइमिथाइलामीन। तो ये हो गया इसका हाफ एन डिग्रेडेशन।